क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एबीसी। ये मैट्रिक्स आपको बोल रहे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें से एबीसी की वैल्यू निकालनी। तो पहले अर्जुन करते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो हमारे ए मैट्रिक्स है, ए नाम दिया उसको। ओके, तो ये बन जाएगा 1 3/5, ये ए, बी -5 -7 -4, C0। ओके, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम होते, इक्वल होते, क्लियर? लास्ट लेक्चर में देखा था। तो पहले इसका ए ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। सिंपल, दिस रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। 1 3/5 ए, बी -5 -7 -4, C0। यहां तक क्लियर है? ओके, आगे लिखोगे सिंस इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके वजह से ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आएगा। ओके, तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मतलब ये दोनों मैट्रिक्स लिख दो, ए के जगह ए मैट्रिक्स। कितना है मैट्रिक्स? हो 1 3/5 ए, बी -5 -7 -4, C0। दिस इज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ये। ओके, 1b -4 3/5 -5 C, ए -7 0। एकदम सिंपल है। अगर दो मैट्रिक्स सामने सामने है, दोनों के बीच में इक्वल टू है, मतलब इक्वालिटी रूल लगेगा, इक्वालिटी है ना। ओके, सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ओके, कंपेयर करो, ए कितना है देखो, -4, समझ में आया? ओके, सो ए इज इक्वल टू -4, बी देखो यहाँ पे, बी इज इक्वल टू 3/5, बी इज इक्वल टू 3/5, ओके, सी कितना है देखो, -7, सी इज इक्वल टू -7, खत्म। उल्टा भी कंपेयर करते हो, जैसे कि देखो बी 3/5, ओके, और यहाँ पे ए कहाँ पे, ए -4, सी -7, समझ में आया? ठीक है, सिमिलरली सेकेंड जो क्वेश्चन 8 है उसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बोला है। क्वेश्चन 8, फाइंड एक्स वाई जेड इफ दिया हुआ मैट्रिक्स जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे ए। मैट्रिक्स दिया आपको 0 -5i (x, y, 0, z) (3/2 - √2, 0)। यह मैट्रिक्स दिया। ओके, इसका भी ट्रांसपोज निकाल। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, रो 0 - 5i (x, y, 0, z) (3/2 - √2, 0). ओके, ये ऐसे लाइन खींच देता, मतलब ये खत्म हुआ। ठीक है, आगे लिखेंगे सिंस इट इज व्हाट, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब मुझे लगता है ये ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो होता है, बट माइनस का डिफरेंस होता है, मतलब दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस होता है। यहाँ पे अगर प्लस 3 होगा कहीं पे तो ये -3 होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कंपैरिजन करो, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स लिख दो (x, y, 0, z) (3/2 - √2, 0) इज इक्वल टू माइनस, ये मैट्रिक्स छोटे से पार्ट में लिखना पड़ेगा मुझे, 0y (3/2 - 5i) (0 - √2, x, z) 0। ठीक है, इसको फिर से कॉपी करो, ये 0 - 5i (x, y, 0, z) (3/2 - √2, 0) इसको कॉपी कर दिया। ओके, इस साइड में मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस को अंदर भेजूंगा, तो जीरो के साथ गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 0 यहाँ पे बन जाएगा -y, दिस इज -3/2 + 5i (0 + √2 - x - z) 0। क्लियर, कंपैरिजन करो, (x = -3/2) बराबर, सो (x = -3/2), y के जगह 5i, सो (y = 5i) एंड z (z = √2). ठीक है, अगर समझो आपको ये MCQ में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे ना, तो सिंपल क्या करने का, यहाँ पे एक लाइन खींच दो,
ओके ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक लाइन खींच दो डायगनली और ये ऐसे कंपेरिजन करो, मतलब बी इज इक्वल टू 3/5 कहाँ पे गया बराबर, ओके ए इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू -7 ये सिमेट्रिक होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो कैसे निकालोगे, लाइन खींच दिया ओके वाई इज इक्वल टू -5 बट स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है साइन अलग होता है तो -5 की जगह क्या आएगा +5 +5i क्लियर एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा 3/2 -3/2 ओके एंड z इज इक्वल टू +√2 समझ में आया, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो ओके लिखो ओके चलो क्वेश्चन नंबर 9 तीन क्वेश्चन है इसमें से एक ही मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, क्वेश्चन देखो रीड करो मैंने पूरा नहीं लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फाइंड इट्स ट्रांसपोज स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर, मतलब इसके ट्रांसपोज निकालना है और बताना है इसके ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या फिर इसमें से कुछ भी नहीं ओके सिमेट्रिक कब होता है जब ए इज इक्वल टू 80 होगा क्लियर एंड स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है ए इज इक्वल टू -80 होगा, इसमें से कुछ नहीं तो नाइदर सिंपल ओके देखो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो सिंपल वो टेक्निक डायगनल खींच दो और कंपेयर करो, देखो 2 सेम है -5 सेम है 4 सेम है सिमेट्रिक बट ऐसा आंसर नहीं बताना है सॉल्व करना है ठीक है, देखो यहाँ पे देखो डायगनल खींच दिया -5 -1 -6 क्यू सिमेट्रिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ओके ओके इसमें भी देखो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ सिंपल, इसको एक ए मैट्रिक्स अज्यूम करो ये आपका ए मैट्रिक्स बन गया, इसका साइड में निकालता हूं मैं ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, सो 0 आई प्लस 2i ओके 2 माइनस आई सॉरी ना आई माइनस 2 ना सॉरी आई माइनस 2 इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, बाद में ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो 1 माइनस 2i 0 0 -7 ओके बाद में ये 2 माइनस आई 7 0 क्लियर ये ए ट्रांसपोज करेक्ट बन गया ठीक है, अब देखो दोनों के तरफ क्या दोनों सेम है एग्जैक्टली जीरो के जगह 0 है i प्लस 2i के जगह माइनस i की 1 है वो मुझे लगता है 1 है इधर 1 है ना ओके इधर 1 है सही 1 प्लस 2i इसके जगह -1 -2i और i -2 इसके जगह 2 -i क्लियर ओके क्या दिख रहा है सेम है दोनों सेम है क्या ये और ये मैट्रिक्स सेम है एग्जैक्टली थोड़ा सा कंपैरिजन करो सेम है देखो ना पोजीशन वाइज 0 के जगह 0 है ठीक है ओके ये तो सेम है क्या ये सेम है नहीं ना माइनस का फर्क है ओके माइनस का डिफरेंस है आई माइनस 2 इट इज 2 माइनस है ये तो माइनस का डिफरेंस नहीं है इसको तो ऐसे लिखना चाहिए था ना माइनस आई प्लस 2 तो ये क्यों लिखा 2 माइनस है सिर्फ उल्टा किया है ओके एक्चुअल में ये माइनस का ही डिफरेंस है आई माइनस 2 को 2 माइनस आई किया ये भी सेम है देखो मतलब क्या किया उन्होंने यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज तो है बट माइनस का डिफरेंस है देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक सच में ये समझ रहा है क्या माइनस का डिफरेंस कैसे आ रहा है देखो ना प्लस 7 के जगह -7 -7 के जगह +7 ठीक है ओके लिखो ये दोनों सॉल्व करना है खुद से ओके क्वेश्चन 10 देखो सिंपल क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स आपको बनाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि ए आई जे 3/3 ऐसा पहले भी किया है हमने इसको पहले भी सॉल्व किया ठीक है वेयर ए आई जे इज इक्वल टू वेयर ए आई जे इज ऑब्टेन्ड बाय आई माइनस जे ओके अब देखो आगे बोल रहे स्टेट वेदर ए इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक आता है या स्क्यू सिमेट्रिक आता है वो हमें देखना है ओके सॉल्व करते हैं देखो उन्होंने 3/3 का मैट्रिक्स बोल रहे हो ओके तो इसका ब्लू प्रिंट हम बना सकते हैं जैसे कि 3/3 का मैट्रिक्स ऐसे दिखेगा 1 1 1 2 1 3 ये क्यों याद आ रहा है ओके इसके बाद ये 2 1 2 2 और ये 2 3 3 1
3 2 3 3, सिंपल, ये बन गया 3x3 का मैट्रिक्स। ओके, इसमें से ए आई जे वाले ये सब टर्म है, ए आई जे मतलब ये, क्लियर। तो फर्स्ट a11 सॉरी फॉर्मूला लिखते पहले, ए आई जे इज ऑब्टेन बाय आई माइनस जे, ठीक है। a11 से स्टार्ट करते, 1 1 मतलब i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1, ओके। i माइनस j करोगे तो 1 माइनस 1 सिंपल 0, a12 1 माइनस 2 होगा, क्या आएगा -1, a13 1 माइनस 3 होगा -2 सिंपल, ओके। सिमिलरली a21 2 माइनस 1 आंसर इज 1, 2 2 2 माइनस 2 आंसर इज 0, 2 3 2 माइनस 3 -1, सिमिलरली a31 3 माइनस 1 2, 3 2 3 माइनस 2 1 एंड 3 3 3 माइनस 3 0, क्लियर, समझ में आया ये, ओके। उसके बाद हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे सिंपल, a11 क्या मिला 0, उसके बाद -1, उसके बाद -2, 0 -1 -2, बाद में ये 1 0 -1 और ये 2 1 0, मतलब सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सॉल्व करोगे ना इसके आगे आ सकता है ना, ओके लिखो ये, देखो दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 और 12 दोनों भी सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन 11 सॉल्व कर देता हूँ, 12 वाला आपको होमवर्क करना है, ओके। देखो इसमें देखो इक्वेशन फॉर्म में दिया है, 3x - y इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स और x - 3y इज इक्वल टू ये कुछ मैट्रिक्स दिया, ठीक है। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि 3x - y इज इक्वल टू, समझो यहाँ पे नंबर लेता हूँ मैट्रिक्स के जगह, ये 5 नंबर लेता हूँ, और x - 3y इज इक्वल टू समझो कुछ भी नंबर 3 लेता हूँ, सॉल्व हो सकता है, कभी सॉल्व किया ऐसा क्वेश्चन, ओके। दो मिनट, कब सॉल्व किया है, 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसी वजह से सॉल्व कर रहे हैं इसको, सिंपल। उसमें क्या करते थे, कोई भी एक वेरिएबल सेम करते थे, उनके कोएफिशिएंट सेम करते थे, जैसे कि अगर समझो मुझे यहाँ पे 3x दिख रहा है तो यहाँ पे भी मुझे 3x बनाना पड़ेगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम देते और इसको इक्वेशन 2 लिखते। अगर मुझे यहाँ पे 3 लाना है देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 3, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3, 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 3x - 9y, और इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल है 0 - 3 0 - 3, ये क्लियर है, ये समझ में आया, दिस इज इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 बन गया, ओके। नाउ सिंपली सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को सिंपली सॉल्व करो, ओके। इक्वेशन 1 ये है, 3 बड़ा वाला इक्वेशन ऊपर लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, सो 3x - 9y इज इक्वल टू 0 - 3 0 - 3, नीचे ये इक्वेशन लिखते हैं 3x - y 1 - 1 - 1 1, ठीक है। सिंपली बताओ मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, सब्ट्रैक्शन माइनस करोगे ये कट जाएगा, आप ध्यान देना ये माइनस माइनस प्लस वाई बन जाएगा, ये माइनस प्लस वाई, सो -9 + y - 8y, ओके। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अब इसके नीचे लिखना -8y, जगह नहीं है, ओके। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखो, 0 - 1 0 - 1 क्या आना चाहिए, -1 सिंपली, समझ में आया, -3 -(-+1) ये माइनस और ये -+1, सो -3 + 1 - 2, वेरी गुड। सिमिलरली 0 - -1 + 1 + 1 ना, -(-+1), ओके। देन -3 - 1 - 4, ये आपको मिल गया, ये -8y, अब -8 अगर इस तरह आके डिवाइड करता है तो y इज इक्वल टू, यू विल गेट -1 upon -8, इट इज सिंपली 1/8, ओके। -2 upon -8, 1/4 क्यों, क्योंकि 2 upon 8 आएगा ना, 2 1 2 4 8, सिंपली
माइनस वन अपॉन एट एंड प्लस वन बाई टू। ये समझ में आया? ये मैंने सिर्फ वाई निकाला है, अब मुझे सिंपली एक्स भी निकालना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते थे, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, कौन सा भी एक इक्वेशन उठाओ, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन। ओके, इक्वेशन वन में 3x माइनस वाई के जगह ये लिख दो पूरा 1 बाय 8, 1 बाय 4, माइनस 1 बाय 8, सॉरी माइनस 1 बाय 8, 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, माइनस 1 हुआ। ओके, x निकालना है, इसको उठाओ इस तरफ लेके आओ, ये माइनस में देखो इस तरफ आके प्लस बन जाएगा। तो सिंपली 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, माइनस 1, 1 प्लस 1 बाय 8, 1 बाय 4, माइनस 1 बाय 8, 1 बाय 2। ठीक है, 3x इज इक्वल टू, देखते क्या बनता है मैट्रिक्स, 1 प्लस 1 बाय 8, ऐसा साइड में करो, 1 प्लस 1 बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 वन से 8, 8 प्लस 1 कितना आना चाहिए यहाँ पे, 9 डिवाइडेड बाय 8, माइनस 1 प्लस 1 बाय 4, माइनस 1 प्लस 1 बाय 4। ओके, सो 4 वन से 4, माइनस 4, माइनस 4 प्लस 1, माइनस 3, वेरी गुड, माइनस 3 अपॉन 4, माइनस 1 माइनस 1 बाय 8, माइनस 1 माइनस 1 बाय 8, सेम ही आएगा देखो, माइनस 9 बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस 1 बाय 2, इट इज 3 बाय 2। ओके, फाइनली ये 3 डिवाइड करेगा सबको। ओके, x निकालना है ना, 3x नहीं, तो x इक्वल टू, अगर ये 3 डिवाइड करता है, 3 3 जा 9 कट जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे 3 बाय 8 बचेगा। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, सिंपली 3 बाय 8, ये 3 3 गया तो माइनस 1 बाय 4, माइनस 1 बाय 4, और यहाँ पे गया तो सिंपली माइनस 3 बाय 8, अगेन 1 बाय 2। ठीक है, क्लियर है सब? ये समझा 3 कैसे डिवाइड हुआ? ओके, ठीक है, लिखो। ठीक है, इसमें आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन 13 में। सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, देखो। हाँ, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में इक्वल टू है, इस तरफ प्लस है, मतलब इन दोनों का एडिशन करो पहले। ओके, अगर इस टर्म के साथ ये माइनस वन, एड नहीं सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि माइनस है। ओके, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा, 2x प्लस वाई माइनस वन। क्लियर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ये x है y है, उसके बाजू में सिर्फ माइनस वन लिखने का, सिंपल है। माइनस वन प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 5, 1 प्लस 4 सिंपली 5, 3 प्लस 3 6, 4y प्लस 0 इट इज सिंपली 4y, 4y प्लस 0 4y, बाद में 4 प्लस 3 7। ये कंपैरिजन होगा इसके साथ 3 5 5 6 18 7। देखो दोनों मैट्रिक्स आमने सामने, दोनों के बीच में इक्वल टू मतलब इक्वालिटी। ओके, सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये लिखना, हर बार लिखना जब भी इक्वालिटी होगा तब। ओके, तो कंपैरिजन करो, देखो 5 5 सेम है, सब नंबर सेम है, सिर्फ अलग क्या है, इसके जगह कौन है 3। तो कंपैरिजन करने के बाद 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मिल रहा है। ओके, ये 1 इस तरफ भेज दो तो सिंपली 2x प्लस वाई माइनस 1 का इस तरफ प्लस वाई बराबर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 4। ये कंपैरिजन मिल गया, और एक 4y इज इक्वल टू 18, 18 ही है ना, वो सिंपली 16 नहीं है ना, हाँ 18 ही है। ओके, सो 4y इज इक्वल टू ये 18, तो y इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट है, रिड्यूस करो, 2 2 जा 2 9 जा, सो y इज इक्वल टू 9 बाय 2 मिल गया। ये y की वैल्यू मिल गई, मुझे x भी चाहिए, तो इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में सिंपली। ओके, तो पुट करते हैं इसको, इक्वेशन 1 लेते हैं, चलो। सो पुट y इज इक्वल टू 9 बाय 2 इन इक्वेशन 1। ओके, सो 2x प्लस y के जगह 9 बाय 2 इज इक्वल टू ये 4, 9 बाय 2 करेक्ट है, हाँ। ओके, 9 बाय 2 को उठाओ इस तरफ लेके आओ, सो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 9 बाय 2 का माइनस 9 बाय 2। ओके, 2x, 4 टू से 8, 8 माइनस 9 इट इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट है। देखो ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके
डिवाइड करेगा तो सिंपल एक्स इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे नीचे आएगा ना इसके साथ, सो टू टू जो फोर। क्वेश्चन 14, फाइंड एबीसीडी, एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। देखो इक्वल है दोनों मैट्रिक्स आमने सामने, इन दोनों के बीच में इक्वल टू मतलब इक्वालिटी लगेगा, सिंपल बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये लिखना पूरा। तो इसका मतलब 2a plus b is equal to 2, 2a plus b is equal to 2 ये बन जाएगा। उसके बाद 3a minus b is equal to 3, so 3a minus b is equal to 3। और इस तरह c plus 2d is equal to 4, c plus 2d is equal to 4 and 2c minus d is equal to minus 1 ना, minus 1। देखो यहाँ पे ए बी ए बी था इसके वजह से इन दोनों को एक साथ लिखा, यहाँ पे सी डी था इसके वजह से दोनों को एक साथ लिख गया, सॉल्व करने में आसानी होती। तो इक्वेशन वन इसको इक्वेशन टू लिखेंगे, दो पार्टीशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये टेंथ में सॉल्व किए तो सिंपल में लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू। ये नहीं लिखोगे चलेगा कि आप ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे कुछ मतलब नहीं है, सिंपल लिखना सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, ओके। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2a plus b is equal to 2, 3a minus b is equal to 3, ठीक है। देखो b भी सेम है और प्लस माइनस है, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट, ऐड सिंपल, ओके। तो इसके वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, 2a plus 3a कितना होता है, 5a is equal to 2 plus 3, सिंपलीफाई, सो a is equal to 1, 1 ना, 5 से डिवाइड करोगे, अगर a is equal to 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे put a is equal to 1 in equation 1 कौन सा ये, a is equal to 1 यहाँ पे put करोगे, 2 into 1 plus b is equal to 2, so मुझे लगता है b is equal to 0 आना चाहिए, क्यों 0, यहाँ पे 2 आता है, minus 2 हो जाएगा, 2 2 cancel, simple, clear। इस तरफ देखो यहाँ पे same नहीं है, कुछ भी same नहीं है, किसी एक को same करते हैं, चलो इस d को same करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं वैसे बोलूंगा नहीं, डायरेक्टली लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन को नाम ही नहीं दिया, 3 एंड 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, डायरेक्टली लिखो, ये लिखना c प्लस 2d प्लस 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4c माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 2, करेक्ट है, ओके। देखो प्लस माइनस है तो एडिशन करोगे, ओके, c प्लस 4c इट इज 5c एंड 4 माइनस 2 प्लस 2, करेक्ट क्या, सो c इज इक्वल टू 2/5। अगर c इज इक्वल टू 2/5 मिल रहा है, d की वैल्यू निकाल सकते हो खुद से, कर सकते हो, करो, एक किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना सी की वैल्यू। क्वेश्चन 14, एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, देखो देयर आर टू बुक शॉप ओन बाय सुरेश एंड गणेश, दो बुक शॉप है ओन बाय सुरेश एंड गणेश, ठीक है। अब देखो आगे बोल रहे हैं, देयर सेल्स फॉर द बुक इन अ 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर अ 2 मंथ जुलाई एंड ऑगस्ट 2017 आर गिवन इन अ 2 मैट्रिक्स ए एंड बी, मतलब मैट्रिक्स ए जो है वो जुलाई का सेल है और मैट्रिक्स बी जो है वो अगस्त का सेल है, क्लियर। और सब्जेक्ट वाइज देखो कैसे दिया है, फिजिक्स का ये कॉलम है, केमिस्ट्री का ये कॉलम है, मैथ्स का ये कॉलम है, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, इन जुलाई मंथ सुरेश के शॉप में फिजिक्स का सेल कितना हुआ है, 5600 का, केमिस्ट्री का सेल 6750 का। सिमिलरली गणेश के शॉप में फिजिक्स का सेल इन जुलाई मंथ था 6650, क्लियर। उसके बाद अगस्त मंथ में ये दिया है पूरा डेटा, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन इज फाइंड द इंक्रीज इन सेल इन अ रुपीस फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, जुलाई टू अगस्त में कितने इंक्रीज इन सेल हुआ है। अब मुझे बताओ अगर जुलाई मंथ में एक शॉप का सेल होता है 100 रुपीज और अगस्त में वो सेल होता है 150 रुपीज, देन व्हाट इज इंक्रीज इन सेल, कितना सेल इंक्रीज हुआ, 50 रुपीज, सिंपल। कैसे ऑब्टेन किया, अपने लॉजिकली बताया, अपन मैथ्स का कौन सा प्रोसेस यूज किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन माइनस सब्ट्रैक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे भी सेम करना है इंक्रीज इन सेल के लिए, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन सेल अगर निकालना है आपको
उसके लिए आपको b माइनस ए करना पड़ेगा। b अगस्त है ना, अगस्त में ज्यादा सेल हुआ है, जुलाई में कम सेल हुआ है, तो b माइनस ए, b 6650 7055, उसके बाद 8905, ये 7000 7500। उसके बाद 5600 6750, ओके 8500 6650 7055 एंड 8905। सब्ट्रैक्शन करते जाओ, फटाफट बताते जाओ वैल्यू। पहले देखो ये 6650 और 5600, पहले तो ये 400 होगा, उसमें 600 ऐड होने के बाद 1050 होगा, 1050 और सब्ट्रैक्शन इतना आएगा। इन दोनों का गैप देखो 7055 और ये 250 होगा, 305। करते रहे ना, देखना मैं करेक्ट हुआ है, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहोगे। ये 405, ये सिंपली दिख रहा है 405 है, इसमें से ये 650 मतलब 350 होगा ना, 350 7500 माइनस ये 50 का 5 का डिफरेंस है, तो 445। ओके 10200 माइनस 8950, ये देखना रे कितना आता है, 8950। इन दोनों का गैप पहले तो 100, 9000 बनेगा 1305। सब्ट्रैक्ट करोगे ना, नहीं 1295 आना चाहिए। देखो चेक करो, बराबर क्लियर, ये मिल गया इंक्रीज इन सेल। अब क्वेश्चन टू बराबर ना 1295। ओके क्वेश्चन टू देखो, इफ द बुक शॉप गेट 10% प्रॉफिट इन अ मंथ ऑफ अगस्त 2017, अगस्त वाला ये, ओके इसमें उसको 10% प्रॉफिट हुआ है, फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में कितना प्रॉफिट होगा। तो सिंपल देखो, अगर समझो कोई भी चीज में 120 रुपीज में बेचता हूं और मैं बोल रहा हूँ इसमें मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। ओके मैं यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। अब 10% से मल्टीप्लाई मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 इनटू ये 120, तो ये 0 0 तो गया, ये भी 0 0 गया, सिंपल कितना आएगा 12 रुपीज, तो मुझे 12 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, समझा पूरा। तो उसी वे से अगर अगस्त मंथ में मुझे 10% प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए 10% इंटू मुझे बी करना पड़ेगा, क्लियर। तो 10% इंटू बी कितना है, वो 6650 7055 8905 और 7000 7500 and 1020, ठीक है। 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 ना, ओके तो इसमें से मैं तो 0 गया और यहाँ पे बचेगा 6650 7055, ये 8905 7000 7500 and 1020, ठीक है। अब ये 1/10 अंदर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से इन शॉर्ट डिवाइड हो रहा है, देखो 1/10 साइड में खड़ा रहेगा, तो 0 0 कट, ओके तो आपको पहला नंबर क्या मिलेगा, वेरी गुड, दूसरा नंबर 705.5, उसके बाद 890.5, उसके बाद ये 700 और ये 750 और ये 1020, इतना प्रॉफिट हुआ, ओके यहाँ पे लिखना प्रॉफिट इन, यहाँ पे इसके ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट इन अगस्त, समझ में आया पूरा प्रोसेस, ओके ठीक है।